लायन सफारी और एक जू सफारी, भैया दोनों सफारी का आपको यहाँ पे टिकट मिलेगा। चलिए खड़ा हो सर, बैठिए मत सर, खड़ा। डरने की कोई बात नहीं है, आराम से इस पे कहो, दौड़ो, रन करो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं राजगीर में वाइल्ड सफारी में। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है पूरा राजगीर वन्य प्राणी सफारी। इस बेस से हम जा रहे हैं, हमारे पीछे वो एक काउंटर था। तो तीन जगह टोटल टिकट चेक होता है और इस तरह से अब हम चल रहे हैं ग्लास ब्रिज पे, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे सस्पेंशन ब्रिज के बारे में, जो ग्लास ब्रिज के बगल में ही है। इस वीडियो के पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने पूरा ग्लास ब्रिज के बारे में बता रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें। दोस्तों इस ग्लास ब्रिज को देखने के लिए आपको सबसे पहले एंट्री टिकट लेना पड़ता है 150 रुपए का। उसके बाद आपको एक और टिकट लेना पड़ता है जो कि ग्लास ब्रिज देखने के लिए मिलता है, और उसी में ऐड होता है सस्पेंशन ब्रिज का भी पैसा। ये अच्छा नहीं है अबे, जहाँ तू लोग रहा बड़ा वाला वो सस्पेंशन ब्रिज था, कोई भी रहा वो अच्छा था। हम तो सोचे उसी टाइप से ये भी होगा, तो कह देता है पैसा वापस करवा दी। हमारा वापस करवा यार, हमारा देख ले। ये छोड़ दी पैसा दी। डरने की कोई बात नहीं है, आराम से इस पे कहो, दौड़ो, रन करो, क्योंकि मैं तो सस्पेंशन ब्रिज पर दौड़ चुका हूँ, तो ये तो कोई छोटा मोटा पुल है। नीचे मत देखो ना, नीचे मत देखो, अरे देखो नीचे, नीचे। तो दोस्तों वहाँ पर है वो सस्पेंशन ब्रिज, और वो छोटा सा है, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पर आते हो और इस तरह से नीचे देख रहे हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डर लगेगा। अगर चलिए खड़ा हो सर, बैठिए मत सर, खड़ा हो। इस तरह से ये ब्रिज दिखता है, और इस ब्रिज पर आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकने दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा क्राउड ना हो, तो इसलिए आप प्लीज चलो, मुझे नहीं करना है। बहुत मस्ती करते हो हर चीज में, मुझे मैं बोले ना। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए सर, रुक जाए, ठीक का दे फोटो या खींच ले चार्ज। तो हम लोग यहाँ पर एक मेमोरी ले रहे हैं, वैसे बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय श्री राम। खींचा फिर एक, वाह 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 यार, गजब, मजा आ गया भाई साहब, गजब। सो गाइज, यहाँ पर क्राउड की वजह से आपको पहले तो 2 मिनट दिया जाएगा, अगर आपके पास क्राउड ज़्यादा है यहाँ पर, तब नहीं तो आपको यहाँ पर 5 मिनट के लिए 150 रुपये देने के बाद आप इस स्काई वॉक पे घूम सकते हैं। तो ये आने का रास्ता है और ये जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर था ये स्काई वॉक ब्रिज, और इस रास्ते से आपको जाना है सस्पेंशन ब्रिज की तरफ ऐसे। तो अभी हम चलेंगे अब सस्पेंशन ब्रिज पर। सस्पेंशन ब्रिज 10 रुपये। सस्पेंशन ब्रिज पर दौड़ना कूदना मना है, धूमधाम करना मना है, और इस तरह से दिखता है सस्पेंशन ब्रिज। तो अभी तो यहाँ पे 10 रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा है ना, 10 रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ग्लास ब्रिज के साथ इंक्लूड है ये। तो मतलब यहाँ पे जो ग्लास ब्रिज नहीं घूमना चाहते हैं, अलग से सिर्फ बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वहाँ माना बच्चों लोग का, यहाँ पे बच्चों लोग 10 रुपये टिकट लेके जा सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, टिकट दिखाइएगा ग्लास ब्रिज का, इनको टिकट दिखाओ भाई, टिकट, इनको टिकट दिखाओ भाई। तो यहाँ भी वही ग्लास ब्रिज वाला 150 रुपये वाला टिकट चेक किया जा रहा है, 10 रुपये उनके लिए है। चार है लीजिए, जाइए। चलो दोस्तों, मैं हूँ अभी बिहार के सस्पेंशन ब्रिज पर, जो स्काई वॉक के, जो स्काई वाला ब्रिज है उसके बगल में है, और ये जो सस्पेंशन ब्रिज है वो हिल रहा है। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है नेपाल वाले ब्रिज से, ये लकड़ी का है, थोड़ा सा हिल तो ये भी रहा है, लेकिन वो कांच का था, चलो भाई बढ़िया, ज़्यादा सेफ नहीं है, इस पर ज़्यादा पब्लिक एक साथ नहीं चढ़ सकती, लेकिन जो नेपाल में है वो कांच वाला था। तो आइए हम आपको घुमाते हैं पूरा ये सस्पेंशन ब्रिज।
गिरने वाली कोई बात नहीं है, 100 मीटर नीचे खाए हैं, टूटेगा तो 100 मीटर गिरेंगे। अरे चलो डरो नहीं, नॉर्मल चलो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल चलो, डरो नहीं। केवल ये ऐसे ऐसे फूल ले लेना रुको, चलो इसको झुलाएं एक बार, झुलाएं भाई इसको, झुलाओगे तो मोर भी लगा लेगा, झुलाना नहीं। हाँ तो ये करीब हमें लगता है कि 300 नहीं 200 मीटर है ना भाई, ये 300 मीटर है, 300 मीटर का ये ब्रिज है। डॉक्टर साहब पीछे रही, और वो वहाँ पर था, वो जो आप देख रहे हो वहाँ पर स्काई ब्रिज है, जितना हिलेगा इसे फैला के पैर चलो। अरे दुनो कहती है चला यार, कुछ ना है। तो ये जाकर यहाँ पर ख़त्म होता है पूरा, 300 मीटर का ये ब्रिज है। तो भाई यहाँ पर कितने, एक आदमी एक बार में इस ब्रिज पर कितने आदमी चढ़ सकते हैं? 15 आदमी। ठीक है, और ये ब्रिज कब से बना है यहाँ पर? 2021 में चालू हुआ है, मार्च में। 2021 में, मतलब ये अभी बनाया गया लेटेस्ट? कितना था 2021 में? हम नहीं ले सकते, हमको मना किया गया। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये देखो, ये सब भोलेनाथ के भक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो देखा भैया इनके सबके खातिर ही सांप वाप इनके चुम्मा लेता है गाले में, देखा। इनके लिए सब नॉर्मल है, कई ठिक मैंने एक सांप दो सांप इनके पास है, एक सांप इनके पास है। और ये आंटी हैं, और ये इनका बच्चा है, और इसी के सामने एक पुतला ये भी खड़ा है। ये देख लो, और ये देखो, ये इसका तो लुल्ली दिख रहा है भाई, ये लौंडा छोटा है। दोस्तों वो देखो शेर आ रहा है, वहाँ पे लिखी नो एंट्री, नो एंट्री मतलब उसके अंदर नहीं जाना है, वहाँ से जंगली जानवर आ सकते हैं। और कुछ इस तरह से दिखता है सस्पेंशन ब्रिज आने पर। यहाँ पे ये आंटी हैं, मेरी आंटी बहुत थक गई हैं, तो यहाँ पर ये छांव ले रही हैं। हाँ छपरी चड्डी पहन लेते यार। ये सब क्यों बनाए गए हैं भाई, ये सब समझ के बाहर है। तो यहाँ सब ये सब आराम कर रहे हैं। यहाँ भी दो तीन लोग हैं जो कि आराम कर रहे हैं। तो गाइस ये पता नहीं क्या है, इनके ऊपर एक पत्थर ये उठा के मैं भी रख देता हूँ। ये पत्थर लेके जा रहे हैं, तो पत्थर इनको रख देता हूँ, और ये पत्थर फेंक रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बनाया गया है, पत्थर फेंकते हुए देखो इनके पत्थर गिर रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। सो हेलो आंटी, कैसे हो? तो यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें, तो अगर आप 150 रुपये यहाँ पर आकर पे करते हैं और अदा करते हैं, तो 150 रुपये में आपको सस्पेंशन ब्रिज पर जाएंगे। जितना आपको ग्लास वाले ब्रिज पर मज़ा नहीं आया, उतना उससे ज़्यादा मज़ा आपको सस्पेंशन ब्रिज पर आएगा। ओवरऑल अगर आप सस्पेंशन ब्रिज पर आएंगे तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तुम सब लोग अब कहाँ लेके जाओगे? आगे क्या मिलेगा? सब आगे ये पार्क वगैरह सब है। कई रुपया लोगे? 20 रुपया पर हेड है जाने का। कितना आदमी है? टिकट भी चाहिए उसके लिए? नहीं नहीं, वहाँ पे जो एडवेंचर कीजिएगा सर उसका टिकट लगेगा। ये बताओ जो एक लेक है, लेक के अंदर नाव से जाते हैं, वो कहाँ? वो बाहर है, घोड़ा कंट्रोल लेक। वो बाहर है, इसके बाहर है। हाँ
तो इधर तो जाने का कोई मतलब नहीं है। चलो चलो वापस चलो, इधर सब फर्जी है भाई। जब हम वापस आते हैं तो यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। और जब आप नेचर सफारी से बाहर आएंगे तो 25 लोग साथ में हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से गाड़ी के थ्रू, इस गाड़ी के थ्रू आप जा सकते हैं। तो और ये पूरी कार इस तरह से है, 25 लोग भरने के बाद जाएगी। 11 बजे यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगती है और कितना लाइन लगता है। ये 11 बजे का माहौल यहाँ का। चलो आ जाओ भाई। हाँ भाई टिकट मिल गया। कुछ नहीं है, बेकार है, फर्जी लूट है। उससे अच्छा सस्पेंशन ब्रिज है। हाँ सस्पेंशन ब्रिज वहीं पर, 2 मिनट रुकने देंगे। तो ये है निकास, और इसके अंदर कैंटीन भी है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पर खा पी सकते हैं। और चलिए मैं यहाँ का रेट दिखा देता हूँ, रेट कितना है। जब मैं सुबह सुबह आया था तो यहाँ पर एक भी भीड़ नहीं थी। टोकन कहाँ मिलेगा भाई? ये टोकन दे रहा है भाई। ये टोकन ओकन का क्या है, क्या कैसे क्या मिलेगा? ये तो ये है जो क्या कहोगे इसमें? समोसा है क्या? समोसे खा लेते हैं ना, समोसे ले लेना। 4 समोसे दे दो भाई। 4 समोसे तो इस तरह से यहाँ पे खाने का। सुबह सुबह 8:30 बजे सब बंद था। तो ये है टिकट काउंटर, इसके बाद आप कहीं भी घूमना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। और ये टीवी लगी हुई है और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है तो आप इसको देख सकते हो। जब मैं सुबह सुबह आया था तो ये भीड़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर 800 लोग नहीं आते होंगे। एक दिन में यहाँ पर 800 से 900 लोग विजिट करते हैं, लेकिन इतनी भीड़ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर एक दिन में 800 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं इसको विजिट करने के लिए। और तो ये है इंटरप्रेशन केंद्र, और इसके अंदर पर इस तरह से ये हॉल है, और यहाँ पर ये बनाया गया अर्थ, जिसको है एबुलोशन अर्थ, ठीक है, प्रेजेंट अर्थ, कॉन्टिनेंटल ड्राइव। और इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर किया गया है इसका। और इनके बारे में यहाँ पर ये टीवी में बताया जा रहा है। इंसानों का जन्म ऐसे हुआ था, पहले ऐसे हुआ था, उसके बाद ऐसे ऐसे ये ग्रो होते गए, और करीब 11 से 12 स्टेप होने के बाद 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्ट्रक्चर होने के बाद तब जाके इंसानों का जन्म हुआ था। ये है होमो स्पाइंस, और ये है मॉडर्न मैन, फिर ये जाके मॉडर्न मैन बने थे। और ये इसी तरह से शेर है, और इस तरह से ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे एलिफेंट वगैरह है। ड्रिंकिंग वाटर आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन बोतल अंदर लाना अलाउ नहीं है। और ये जो रास्ता जाता है ये जू के लिए जाता है, तो इसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो मैं जू नहीं जाऊँगा, और मैं जाऊँगा 3D काउंटर में, जहाँ पे आपको सब कुछ 3D एनिमेशन में दिखाया जाएगा। कब खुलेगा भाई?
5 मिनट तो हो गए यार, 5 मिनट तो हो गए खड़े यहाँ पे वेट करिए। बस बस यही इंतजार कर लो, चलो खत्म नहीं हुआ भाई अभी रुक जाओ। तो अब खत्म हो चुका है और हम अंदर आ चुके हैं। तो ये है 3D 180 और यहाँ पर इस तरह से चेयर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो हम फ्रंट वाली सीट लेते हैं, पूरा ये थिएटर है तो ये 200 लोगों की सीट है। जब तक ये भर नहीं जाएगी तब तक ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर अभी सीट खाली है, जैसे ये फुल हो जाएगा लोगों को वहाँ से आने के लिए मना कर दिया जाएगा और यहाँ पर ये डिस्प्ले पर चलेगा। हमारा मिशन लाइव चल रहा है, उसी से रिलेटेड हम सभी लोग एक प्रतिज्ञा लेंगे। आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। चलो इसको भी ले। आप सभी लोग हाथ अपनी प्रतिज्ञा की मुद्रा में कर ले और मेरे साथ में दोहराइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। जय हिंद। नहीं ना, और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों, यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक। तो यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया। तो हमें प्लास्टिक वगैरह अगर यूज करना है तो चाहे डस्टबिन में फेंकना है, पहले तो हमें यूज़ ही नहीं करना है। दूसरी बात, अगर हमें यूज़ भी करना है तो उसे डस्टबिन में जरूर फेंकना है। दोस्तों जब हम सुबह सुबह आए थे तो ये पार्किंग पूरी इस तरह से खाली थी और अभी इस पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं कि यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमने गाड़ी को अपनी वहाँ पार्क किया था और यहाँ पर अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी है। तो ये है पार्किंग स्पेस और हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क है। तो इस राजगीर को देखने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हमें लगता था कि इस ब्रिज को देखने के लिए 700 से 800 लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आज संडे का दिन है, संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। सो गाइस, जिन्होंने यहाँ तक आकर मेरी पूरी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।